इस महीने शाहिद कपूर की बड़ी फिल्म कबीर सिंह रिलीज हो रही है, जो ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक है। कभी चॉकलेटी हीरो कहे जाने वाले शाहिद आज इंटेंस एक्टर बन गए हैं। वही फिल्म हैदर, जब वी मेट, कमीने, रंगून, उड़ता पंजाब और पद्मावत जैसी फिल्मों में शाहिद ने अपने बेहतरीन काम से सबका दिल जीता है। और अब फिल्म कबीर सिंह भी उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है, क्योंकि फिल्म के रिलीज के पहले ही इश्क विश्क एक्टर के तेवर लोगों को खूब भा रहे हैं। इस फिल्म में कियारा आडवाणी उनकी को एक्ट्रेस है, जिससे उनकी बेपनाह मोहब्बत के पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों दिखाए गए हैं। वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के प्रमोशन के दौरान शाहिद ने कहा था कि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं, जब दिल टूटने के बाद वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और उनके लिए इन नकारात्मक भावनाओं से उबरने का एक ही तरीका है कि अपने काम में पूरी जान झोंक दो। इसके अलावा कुछ दिनों पहले कबीर सिंह के प्रमोशन के सिलसिले में शाहिद नेहा धूपिया के चैट शो पर भी गए थे, जहां शो के दौरान मौसम एक्टर ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल बातों को शेयर किया और अपनी वाइफ के साथ उनके रिश्ते और करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ अपने पुराने रिश्तों पर खुलकर बात की। नेहा ने जब शाहिद से करीना और प्रियंका की शादी के आमंत्रण पर सवाल किए, तब इस एक्टर ने बताया कि प्रियंका के मुंबई वाले रिसेप्शन के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था। वहीं करीना की शादी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि करीना ने अपनी शादी में इनवाइट किया था या नहीं, क्योंकि इस बात को लंबा वक्त हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। इसके अलावा शाहिद ने यह भी बताया कि आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती के ऑफर को ठुकराने का अफसोस उन्हें आज भी है, लेकिन वक्त ना होने के कारण उन्हें इस फिल्म में काम करने से मना करना पड़ा। वह संदीप वंगा की फिल्म कबीर सिंह के रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।